नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर फलौदी सट्टा बाजार टाइम्स नाव ने 182 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। गुजरात के अंदर होने वाले चुनाव के अंदर कौन सी पार्टी इस बार बाजी मारेगी, वो गुजरात के अंदर 27 सालों से भाजपा पार्टी अपने पूर्ण बहुमत के साथ तगड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार 2022 के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी को बड़ी टक्कर देकर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है। उनको लेकर 2017 में जिस प्रकार वोटिंग हुई थी, उसके बाद के सर्वे में बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, जो आज टाइम्स नाउ ने सर्वे किया है, जिसके अंदर आंकड़ों में बड़ा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको एक एक सीट के बारे में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब। सर्वप्रथम गुजरात की सीट भावनगर की बात करें तो भावनगर में कुल 7 सीटें, 7 में से 3 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। गिर सोमनाथ की बात करें 4 सीटों में से 2 बीजेपी को, 1 आम आदमी पार्टी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है गुजरात के अंदर। वहीं दोस्तों अरावली की कुछ 3 सीटों पर बात करें, 3 में से 2 बीजेपी को और 1 आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई है सीट गुजरात के अंदर। वहीं दोस्तों आनंद की बात करें तो 7 सीटों में से 2 बीजेपी को, 1 आम आदमी पार्टी को और 4 कांग्रेस को प्राप्त हुई है। बनासकांठा की कुल 9 सीटों पर बात करें, 9 में से 4 बीजेपी को, 3 आम आदमी पार्टी को और 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है सर्वे आंकड़ों के द्वारा। अहमदाबाद की कुल 21 सीटों की बात करें तो 21 में से 10 बीजेपी को, 7 आम आदमी पार्टी को और 4 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है सर्वे आंकड़ों के द्वारा। वही गांधीनगर की कुल 5 सीटों पर बात करें तो 5 में से 3 बीजेपी को, 1 आम आदमी पार्टी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि नवसारी कुल 4 सीटों पर बात करें तो 4 में से 1 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों अगली सीट भरूच की बारे में बात करें तो भरूच में कुल 5 सीटें, 5 में से 3 बीजेपी को और 2 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई, आम आदमी पार्टी को 0 सीटें प्राप्त हुई। सुरेंद्रनगर की कुल 5 सीटों पर बात करें, 5 में से 2 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई। वही डांग की कुल 1 सीट पर बात करें तो 1 ही सीट है आम आदमी पार्टी को प्राप्त हुई है, बीजेपी को 0 और कांग्रेस को भी 0 सीट प्राप्त हुई है। वहीं दोस्तों वलसाड़ की बात करें तो वलसाड़ की कुल 5 सीटों में 2 बीजेपी को, 2 आम आदमी पार्टी को और 1 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई सर्वे आंकड़ों के द्वारा। वहीं सूरत की कुल 16 सीटों पर बात करें, 16 में से 6 बीजेपी को, 5 आम आदमी पार्टी को, 5 कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुई है। तब तक के लिए जय हिंद।